नवरात्र के पावन पर्व पर आप सभी मित्रों को टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। मैं अशोक वर्मा। तो खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के स्थानीय तहसील मार्टिनगंज तहसील में शुक्रवार को उपजिलाधिकारी रामानुज शुक्ला को विशाल भारत संस्थान के जिला चेयरमैन इसामुद्दीन के नेतृत्व में तहसील मार्टिनगंज के असाड़ा गांव में अराजी नंबर 342 जो कि गांव सभा का बड़ा जलाशय है, उसी को लेकर ग्रामीणों की मांग है कि उक्त जलाशय का पट्टा न किया जाए, क्योंकि उक्त जलाशय से गाँव के पशु पक्षी पानी पीते हैं, खेतों की सिंचाई करते हैं और पूरा गाँव का पूरा का वर्षा का पानी, नल का पानी उसी जलाशय में जाकर गिरता है। कुछ वर्षों में जलाशय से गांव के कुछ लोग मछलियां भी मार कर खाते हैं। पत्रक में आरोप लगाया गया है कि जलाशय का पट्टा होने से विवाद और शांति भंग हो सकती है। आपको बता दें, जिसकी चर्चा आए दिन गांव में होती रहती है, वहीं विशाल भारत संस्थान आज अनाज बैंक के जिला चेयरमैन हिसामुद्दीन ने बताया है कि इसकी सूचना जनपदीय कार्यालय नंदा में प्राप्त हुई कि असाड़ा गाँव में यह मामला चल रहा है, उसी को लेकर ग्रामीणों के साथ उपजिलाधिकारी को यह मांग पत्रक सौंपा गया है। आपको बता दें तो इस अवसर पर विशाल भारत संस्थान के जिला परिषदीय सदस्य लालजी सरोज व तहसील संयोजक राजेश सरोज, संजीव कुमार, मनोज मोहम्मद रहमान, धनराज यादव, दिनेश यादव, क्यामुद्दीन फुरकान, मोहम्मद फैसल, लाल बाबू व शिवला बेजन प्रजापति आदि लोग मौजूद रहे। क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत करते हुए ज्ञापन सौंपने वाले लोगों ने? आप किस विषय में यहाँ आज ज्ञापन सौंपने आया हूँ? जो है, मैं चाहता हूँ कि असाड़ा जो है गांव में जो मछली पालन की जा रही है अवैध तरीके से, उसको रोका जाए और जो माफिया जो दबंग किस्म के लोग हैं उन पे जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एसडीएम साहब क्या बोले? एसडीएम साहब आश्वासन दिए हैं कि मैं इस चीज़ को अपने तरीके से जाँच करके रिपोर्ट लगाऊँगा। आपका शुभ नाम? मोहम्मद फैसल। ठीक, उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, पोखरी के संदर्भ में सौंपा है, बताएं। जी, हमारा संदर्भ, हमारे गांव में पोखरी 3 गाटा नंबर है, जिसका नंबर है 82, 112 और 165। ये पहले 10 साल के पूर्व पट्टा हुआ था, अभी फिलहाल वो फारिग है, पट्टा पे नहीं है। अब हम लोग का ये कहना, पूरे ग्रामवासी तैयार हैं, ये कहना है पट्टा ना हो, और पूरे ग्रामवासी तैयार भी है, लेकिन बाहर के लोग आके इधर से उधर से लेके आके उस पर काबिज होना चाहते हैं, और पूरे ग्राम सभा की यही राय है पूरे गांव की देवापुर से कि कोई ये 3 पोखरी में कोई आदमी गांव के बाहर से आए कोई और ना ले, और जिलाधिकारी बोले हुए कि हम उप जिलाधिकारी बोले हुए कि हम इसकी पुनः जांच करके हम ले रहे हैं। आपका शुभ नाम? अजीम नाम है, अजीम शेख। किस गांव के रहने वाले? आपका नाम है? हमारा नाम प्रभुवन है। क्या है आप? प्रधान प्रतिनिधि। बताएं। मेरा नाम डॉक्टर प्रभुवन, मैं विधानसभा असाड़ा प्रधान प्रतिनिधि। सर, हमारा यही मांग है कि हमारे ग्राम सभा राजस्व ग्राम ग्राम सभा असाड़ा में राजस्व ग्राम देवापुर पड़ता है, उसमें 3 पोखरियों का नाम नीलामी में निकला हुआ है, तो उसको हम ग्रामवासी ये नहीं चाहते हैं कि वह पट्टा हो। नीलामी नहीं हुई थी, उसके बाद मत्स्य उसमें पाला जा रहा है। उसके पहले पाला जा रहा था, उस पर काफ़ी विवाद, पट्टा धारक और ग्रामवासियों के बीच में काफ़ी मारपीट भी हो गई, मुकदमाबाजी भी हो गई। हम लोग यही चाह रहे हैं कि वह पट्टा ना हो, उसमें पूरे ग्राम सभा के लोग उसमें गाय भैंस उसमें सब सिंचाई खेत बाड़ी के करें, वो आज़ाद रहे, गाँव वाले सुखी चैन से रहें, कोई मारपीट ना हो, कोई आकस्मिक कोई घटना ना घटे, अमन चमन से हम लोगों को रहने दें। हमारी सरकार से अनुरोध है। प्रधान प्रतिनिधि है। जी सर। आपका शुभ नाम? डॉक्टर प्रभुवन।